संजय लीला भंसाली उनकी ऐसी फिल्में जो कि अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं, लेकिन संजय लीला भंसाली ने इस बार देश के सैनिकों के लिए फिल्म बनाने की बानी है। जी हाँ, पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ के काफिले पर किया जो गया था, उसमें 40 जवान शहीद हुए थे। भारत में इसका सबक देखते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर इनका एयर स्ट्राइक भी हुआ। लेकिन इसके बाद अगर अब बात करें तो इससे संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार जैसे बड़े नाम जोड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को अभिषेक कपूर डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने केदारनाथ बनाई थी। जी हां, भंसाली और भूषण कुमार के अलावा महावीर जैन भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, जिन्होंने पिछले दिनों फिल्म वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाने में अहम भूमिका निभाई। फिल्म को लेकर तैयारियाँ शुरू हो गई है और इस साल के मध्य तक फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। इसके अलावा बात करें अगर तो 26 फरवरी को बालाकोटा में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 200 से 300 आतंकियों का सफाया हुआ। ये फिल्म वायुसेना के उसी साहस को सलाम करने के लिए बनाई जाएगी। हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि भंसाली और भूषण कुमार जैसे नाम जुड़ने के कारण अब इस फिल्म में ए लिस्ट के स्टार शामिल हो सकते हैं। हाल ही के दिनों में फिल्म और टीवी सीरियल बनाने वाले निर्माताओं ने पुलवामा से लेकर बालाकोटा तक और बाद में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की वापसी तक को फिल्मी जमा बनाने का फैसला किया। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।